Good afternoon, students, and welcome to Frontistory. Today we are going to revise two vocabulary words. From them, first is cynophobia. The meaning of this word is you fear from dogs. Second is oology. The meaning of this word is study of birds' eggs. Now I request sir to start the class. Thank you. Hello, dear students and friends. आज आपके समक्ष कुछ मैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेकर आया हूँ. एक महान मेरे स्टूडेंट ने बोला है कि साहब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के हिसाब से भी पढ़ाइए. तो ठीक है, मैं अब ये शुरू करता हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन. और मेरा मानना है कि मैं करीब 150 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कंटिन्यूसली इसी सीरीज में बताऊँगा. आज है 7 और इसी तरह से चलता चला जाएगा. आप कृपया सीक्वेंस रखिए और 150 में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन कुछ दिनों में पूरा करूंगा. और मैं सोचता हूं कि जब तक जो है करीब करीब वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपका कॉन्फिडेंस आ जाएगा और कुछ आप अपने आप भी सीखेंगे उसे कम्प्लीमेंट्री करके, और हम वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को हैंडल करने में सक्षम हो जाएंगे. चलिए आज मैं करता हूँ, बताता हूँ. देखो, पहला है टू इन्फ्लिक्ट सीवियर पनिशमेंट, यानी किसी को बहुत कठोर दंड देना. उसके लिए क्या शब्द होगा, कठोर दंड देने के लिए क्या शब्द होगा? तो चूंकि मैंने सारे नीचे लिखे हैं और ये हो सकता है आपको एकदम से पढ़ने में नहीं आए, तो मैं एक बार तो आपको इंडिकेट कर देता हूं कि टू इन्फ्लिक्ट सीवियर पनिशमेंट का मतलब है टू कास्टिगेट. टू इन्फ्लिक्ट सीवियर पनिशमेंट का मतलब है टू कास्टिगेट. नाउ नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग नरिशमेंट न्यूट्रिशियस, यानी कोई चीज आपको नरिशमेंट देती है या आपको न्यूट्रिएंट्स देती है, तो उस सब्जेक्ट को, उस ऑब्जेक्ट को या जो उस पदार्थ को हम क्या कहेंगे, उसको हम कहेंगे न्यूट्रिशस. ये न्यूट्रिशस, उसको न्यूट्रिशस कहेंगे. अब थर्ड है हैविंग और शोविंग एक्सेसिव और कंपल्सिव कंसर्न विद समथिंग, यानी किसी चीज के साथ में आपका एक्सेसिव और आपका जो है ना एकदम कंपल्सन है कि मुझे ये करना ही है और मेरे दिमाग में वो चल रहा है, तो उसका आपको जो करना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा कि हैविंग और शोविंग एक्सेसिव और कंपल्सिव कंसर्न विद समथिंग. तो उसके लिए आप लिखोगे प्री कंसीव्ड, आपके प्री ऑक्यूपाइड, उसके दिमाग में आप प्री ऑक्यूपाइड है, यानी आपका दिमाग पहले से ही उस चीज से लगाव में है, कॉन्टेक्ट में है और वो आपको करना है. ऑफ रिलेटिंग टू और कॉलिंग एन एंड टू द एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय एडिशनल नेशंस. तो जितने भी जो एटॉमिक इक्विप्ड नेशंस हैं वो चाहते हैं कि अब जो दूसरे राष्ट्र हैं उनके पास कोई न्यूक्लियर प्रोलिफिकेशन नहीं हो, है ना, न्यूक्लियरेशन नहीं हो. तो NPT पर भी हस्ताक्षर कराए थे, कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बान ट्रीटी वो सारे कराए थे ना. तो अब इसको देख लीजिए कि ऑफ और रिलेटिंग टू और कॉलिंग एन एंड टू द एक्विजिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स बाय एडिशनल नेशंस, यानी अब दूसरे जो राष्ट्र हैं वो न्यूक्लियर वेपन नहीं प्राप्त करें, वो न्यूक्लियर वेपन अपने यहाँ नहीं निर्मित करें, तो उसका क्या नाम है, उसका नाम है नॉन प्रोलिफरेशन. इसको बोलते हैं नॉन प्रोलिफरेशन, NPT नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी. तो नॉन प्रोलिफरेशन आपको रखता है. हेल्पफुल एंड ओब्लाइजिंग, यदि कोई व्यक्ति आपके लिए मददगार है और आप पर ऑब्लिगेशन करना चाहते हैं तो वैसी सिचुएशन को आप ऐसे एडजेक्टिव को क्या बोलेंगे, हेल्पफुल एंड ओब्लाइजिंग है तो उसको आप बोलेंगे एकोमोडेटिंग. ही इज ए वेरी गुड एकोमोडेटिंग पर्सन, यानी ही हैज बीन हेल्पफुल एंड ओब्लाइजिंग टू मी, ही हैज एन ऑब्लिगेशन ऑन मी एंड ही हैज प्रोवाइडेड मी हेल्प, तो उसको हम बोलेंगे एकोमोडेटिंग. नेक्स्ट है टू फॉर्म एन ओपिनियन बिफोर पजेसिंग फुल और एडिक्वेट नॉलेज. आपको पूरी जानकारी नहीं है, उसके पहले ही आपने कुछ अपने मन में बना लिया कि हाँ ऐसा होगा, तो उसको हम बोलते हैं प्री कंसीव्ड आइडियाज. प्री कंसीव्ड का मतलब है पहले से ही आपने कंसीव कर लिया जबकि आपको मामले की पूरी जानकारी ही नहीं है, तो इसको बोलेंगे प्री कंसीव्ड आइडियाज, यानी आपने ओपिनियन पहले से ही बना लिया जबकि आपको पूरी बात का मालूम ही नहीं है कि क्या है वो.
देखो टू फॉर्म एन ओपिनियन बिफोर पजेसिंग फुल और एडिक्वेट नॉलेज और एक्सपीरियंस, ये ट्रांजिटिव वर्ब है, तो उसको बोलेंगे हमको प्री कंसीव्ड। नेक्स्ट है ए वेस्टिंग और डिक्रीज इन साइज ऑफ ए बॉडी ऑर्गन टिश्यू और पार्ट ओविंग टू डिजीज इंजरी और लैक ऑफ यूज। यदि कोई शरीर का अंग उसको आप काम में नहीं लेते हैं और या इंजरी से या कोई बीमारी से वो बहुत दिनों तक काम में नहीं लिया गया है तो वो डिसयूज में चला जाएगा, वो उतना काम नहीं करेगा। जिस प्रकार से आप जानते हैं कि हम दाएं हाथ से लिखते हैं, बाएं हाथ को हमने कभी बहुत सारे लोगों ने कभी इसको कंपेयर नहीं किया कि तू भी लिख, तो इसमें जो है ना इस तरह का डिसयूज हो गया, तो इसको टेक्निकल वर्ड है एट्रोफी, यानी ये एट्रोफी है। तो हम मैंने आज आपके लिए एक शुरुआत की है 7 वर्ड्स की, जिसमें पहला था एट्रोफी यानी आउट ऑफ यूज, कोई आपका अंग चला जाए। प्री कंसीव का मतलब है बिना पूरी जानकारी के ही आपने कोई ओपिनियन बना लिया हो। एकोमोडेटिंग का मतलब है हेल्पफुल और ओबलाइजिंग हो। नॉन प्रोलिफरेशन प्रिवेंशन का मतलब है परमाणु प्रसार को रोका जाए। और कास्टिगेट का मतलब है सीवियर आपने दंड दिया हो। न्यूट्रिशंस का मतलब है पोषक तत्व हो। और प्री ऑक्यूपाइड का मतलब है आपके हाथ में पहले से ही काम हो। तो मैंने आज आपको एक सैंपल रूप से 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 7 बताए हैं। कमेंट्स देख करके मैं कम ज़्यादा और एक्सप्लेन ज़्यादा करना इस प्रकार के मैं बारे में विचार कर सकता हूँ, बशर्ते कि मेरे पास कमेंट्स आएंगे। अन्यथा यदि कमेंट्स नहीं आएंगे तो मैं इसी स्पीड से करता चला जाऊँगा। आप कृपया मेरा सहयोग करें और आज के लिए इतना ही। अपने आप को सुरक्षित रखिए और ज्ञान में वृद्धि करते रहिए। ज्ञान में वृद्धि करोगे तो आपकी विजडम में वृद्धि ऑटोमेटिक हो जाएगी। आज के लिए इतना।